जी के नाम श्री दीप नारायण साहब, पूर्व राज्य मंत्री नेकपा पार्टी से, और उनका ही कार्यकाल में होला कि प्रधानमंत्री के पी ओली जी रहत होला कि में रकम रखाएल गए, और बहुत पहले ही 105 के एक नक्शा काट करके प्रत्येक व्यक्ति के अपन जिनकर जगह रोड में गले उनका से मुआवजा दिल गए। लेकिन यहाँ के स्थानीय कुछ नेता सब जो यहाँ के भी जनप्रतिनिधि वार्ड अध्यक्ष कोटा छत या कुछ कुछ और यहाँ साथी भाई सबके जब कभी भी ठेकेदार सबके धमकी दे करके फुसला करके अपने से मतलब मकसद पूरा करे के व्यक्तिगत मकसद, और जब कभी जनता के भीड़ में हम अहाँ के बचा दिली, अहाँ के छोड़ा दिली, फलना के तोड़वा दिली, ये विचार लेकर के जब कभी भी एगो पूर्वाग्रही होकर के विकास के शुद्ध तरीका से विकसित न होकर के छोटा एरिया में विकास करूँ। आगे जब 105 जब रोड छ तो हम सब 50 में 30 में देहे टार ककर के कैला कर, ये एक तराई के मुटू छ, ये एक तराई के विकास करे वाला हमरा सबके जेना शरीर में एक स्पाइन हो पछाड़ी अपना सबके बैकबोन, वही तरह के रोड छ। हमार का नाम की निश्चित अपने के शुरू में तोड़ी थोड़ी कनी तकलीफ होइ छै, अहाँ किया कनी कनी क्या तोड़बै, एक बेर जे नक्शा में छै ओहि नक्शा के अनुकूल पूरा तोड़ दियौ, पुनः नीक मकान भी बनतै, नीक रोड भी बनतै। अहाँ सब जनता के बगलावे के प्रयास नहीं करू, हुनकर सब के चाहना की छलै, लोक सब के जे मुआवजा ले भी चुकल छै कि अहाँ के हम बचा देब, अहाँ हमरा एटा होइ छै ना वोट के राजनीति या पक्षपात के राजनीति, एहि के लागि मंत्री जी के लड़का अहाँ सब के नहीं बने देवे चाहिए रोड कहके हमरा बदनाम कलके, निश्चित नहीं। हमर ये कथन रहले है कि अहाँ 5 फीट 25 फीट 50 फीट किया, बार बार किया, एक बेर जे डिजाइन छै होला कि सड़क विभाग के कोई डिजाइन के कम्प्लीट करूँ, और बड़ा खुशी लागल। आइए जिला के सीडीओ साहेब, एसपी साहेब, और यहाँ के माननीय जी भी सब आकर के, जनप्रतिनिधि सब भी आकर के हमरा से राय विचार ले करके, और हमर जे डिमांड छलै कि 105 क्लियर होतै, उ सब हमरा बात पे उ सब मोहर लगा देलखिन, और हम बड़ खुश छी, सम्पूर्ण व्यक्ति के बहुत बहुत धन्यवाद दै छी, और हमर सबके सारा समाज खुश है, और बहुत जल्दी 2 महीना के अंदर में नया शमसी, नया मदेश, नया प्रदेश, और यहाँ से एक संदेश जतै कि जे भी हुला की बाटो में जे भी चौक छै जे भी घर छै उ सब यहाँ से एक शुभारम्भ भेलै, और ये विकास होतै मलंगवा से जलेश्वर तक। आइ जे अखन टूट रहल बन रहल छै, कते फीट में बन रहल छै? अब ये हुला की सड़क विभाग मुजलिया में ऑफिस है, एक के अपन रोशन कंस्ट्रक्शन ठीका लेले छै, एक के एक्यूरेट मापदंड, एक के सारा क्वालिटी के बारे में तथ्य सत्य हुनका पास रिकॉर्ड होता है। हमरा मोटा मोटी जो जानकारी छै कि मिनिमम 105 फीट चौड़ा होइ छै। तो जना अपने के कथन अनुसार कि 105 फीट के मापदंड अनुसार घर सब तोड़ू कहके अपने अवरोध कैले छलिए? हमर चाहना छल, चाहना छलिए, लेकिन अपने कह रहल छी 105 फीट अगाड़ी से ही छलिए, तो बीच में कते फीट पर सब आके कायम रहले कैले जे अपने अवरोध कैले छलिए? अपने के नेपाल सरकार के जे नापी शाखा में है कोनो भी रोड निर्माण होइ छै पहले कम रहै छै, ओहि के योजना जब होइ छै तो चौड़ा कयल जाइ छै, तो निश्चित अगल बगल में जेकर लाल पूजा वाला जमीन रहै छै ओहि के अधिग्रहण कयल जाइ छै मुआवजा दे करके, और आदमी तो पहले के नाप के हिसाब से अपना अनुसार से या जथाभावी तरीका से कलाई पहले एक छोट देहात छलैए, अब शहरीकरण रूप कर रहा है, तो बिना प्लानिंग के मकान बनल छ, जैके लागि कतेक छलै ई कहनाइ कोई क्लियर बात नहीं है, सब अपना अपना हिसाब से बनेले छलैए। नहीं अखन जे अपने अवरोध कैले छलिए तो इससे पहले कते फीट पर तोड़े के बात रहे से अपने अवरोध कैले छलिए? इससे पहले हुनकर सबके नाम छलै कि कोई फीट नहीं, जतबे खाली छै अहाँ जहाँ हम बांस गाड़ देले छी, जहाँ हम एकटा ढाट मार देले छी, जहाँ एकटा हम तुलसी के पेड़ रोप देले छी, जहाँ हम एकटा फेंटा कोको कोला के बोतल रख देले छी, वही के नहीं छूते हुए गली कुची के तरह से अहाँ सब वही में है टेढ़ा मेढ़ा कह करके वही के पीछ कदल जाओ, ठेकेदार साहब अपन नपा लेथिन, हमरो सबके चाय पान दे देथिन, वो अपन चल जाता, हमर सबके विकास अधूरा और अपेक्षित तरीका से जिग जैग में रोड निर्माण। अखन जे 105 बजा के कायम भेले है तो अपने के जनता द्वारा भेले कि राजनीतिक कर्मी द्वारा भेले? 105 अपने के नेपाल सरकार के जो योजना छै जो सड़क छै उनके द्वारा भेले है, एहि में संपूर्ण जनता के जनप्रतिनिधि के सहमति के साथ भेले। धन्यवाद।